हेलो दोस्त, 14वां आरआरसी जिसका कट ऑफ ऑफिशियल जारी हो चुका है वो है आरआरसी गोरखपुर एनईआर। तो 14 आरआरसी के कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन क्या है, भुवनेश्वर का एक नहीं आया है और एक इलाहाबाद का भी नहीं आया है। तो ये दोनों को देखते हुए हम चलेंगे कि डीबी के बाद, पीटी के बाद डीबी तक कितना हाईएस्ट इंक्रीज हुआ, किसका लो हुआ, किस कम्युनिटी का ज़्यादा बढ़ा, किसका कम बढ़ा, सारा एनालिसिस आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। हो सकता है 10-12 मिनट का वीडियो हो, थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ेगी और फ्यूचर में रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये मैं पहले ही कहता हूँ कि इस बार जहाँ कम है कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले बार वहाँ कम रहेगी। एग्जाम्पल है बंगलौर में जहाँ कम था सबसे ज़्यादा हो गया, और गुवाहाटी पिछली बार ज़्यादा थी इस बार कम हो गया, यानी बदल सकता है। कंडीशन बहुत डिपेंड करता है कैंडिडेट के मार्क्स पे, और हर बार का एग्ज़ाम अलग तरीके की होती है। तो इससे पहले गुवाहाटी पे चलेंगे, पहले सारा पीडीएफ देखने से पहले गुवाहाटी पे जाएंगे। तो 15 तारीख का तो डेट दिखा रहा है इन्होंने, 15/2 को मैंने दे दिया है, लेकिन जनरली ये कट ऑफ आप देखेंगे तो कट ऑफ से पहले नहीं दिया था, पहले लिस्ट था उसके बाद कट ऑफ आई। तो इस कट ऑफ को हम देखेंगे पूर्वोत्तर रहते हुए गोरखपुर का। तो यूआर का 74 चला गया है, ये येलो जोन में है, न ग्रीन है न हाई है। 75 आपको 2-3 आरआरसी गए हैं उसकी बात करेंगे। 62 एसी का, एसटी के लिए 55, ओबीसी के लिए 70.72 और ईडब्ल्यूएस के लिए 61.38 गया है। तो इस सारे कटअप देखने के बाद कम्युनिटी का देखेंगे, तो कम्युनिटी का एक सर्विसमैन में यूआर का है और ओबीसी में है, बाकी में कोई कम्युनिटी क्वालिफाई नहीं किया है। उसके बाद सीसीएस सबका मिनिमम कटअप है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 52 है, लेकिन ये 52 वाले 40 में नहीं आ सकते क्योंकि इनका रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। उसके बाद अगर बात करेंगे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, वो कटअप अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग है और हमेशा एमडी का कम होता है, वीआई और एलडी का ज़्यादा होता है, एचआई का भी कम वीआर कम रहता है, उसके बाद हीरिंग इफेक्ट वाले का इनका सारा। अब इनके लिए बाद कटअप देखने के बाद, अब ये तो आपको दिख गया, अब हमें देखना है ये भी हटा देते हैं वेबसाइट पर, हमारी पीडीएफ देखनी है। हमारी पीडीएफ में एक से लेके हमने टोटल कितने आरआरसी का, यहाँ पे एक मिनट लाइट थोड़ा बढ़ा लूँ, लाइट मोबाइल का थोड़ा सा आपको दिखेगा, एक से लेके हमने टोटल टोटल करके यहाँ पे 14 आरआरसी जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है वो आ गया है, 2 आरआरसी बच गया है। जैसे ही वो कटअप आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा इसी में। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 कलर का हमने यूज किया है, रेड मतलब वो हाइएस्ट, येलो मतलब मीडियम, और ग्रीन कहीं भी मिलेगा वो आप समझिएगा कि ये लोवेस्ट बढ़ा है। ये 3 डाटा हो गया, 3 डाटा के साथ पहला डाटा इधर की तरफ देखेंगे तो पीटी का, इधर देखेंगे तो डीबी का कटअप, और ये तीसरा इंक्रीज का कटअप है। ये मतलब 3 लाइन का पीडीएफ और 3 कलर से बनाया हुआ पीडीएफ है, जिसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसान होगा। हालांकि इतनी डाटा आप एक जगह ढूंढेंगे तो मिलेगा भी नहीं है, और मिलने में भी मिलेगा तो कितना मैनिपुलेट होगा, कैसे एक साथ मिलेगा, वो दिक्कत है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हुबली में, तो बाकी कटअप तो आपने देख ही रखा है कि इस कम्युनिटी का क्या है, वैकेंसी कितनी है, सब कुछ पता है आपको। यहाँ कलर पे दिखाते हैं, यहाँ हुबली किसके लिए बेनिफिट रहा, एससी कम्युनिटी का यहाँ कटअप मीडियम गया है, एसटी कम्युनिटी का, ईडब्ल्यूएस में मीडियम कटअप बढ़ा है, और आपका एससी कम्युनिटी का मीडियम कटअप बढ़ा है। बाकी जितने भी सारे ये डाटा है वो किसी आरआरसी के लोएस्ट और हाइएस्ट के बीच में है सारा के सारा। चल गए हुबली के बाद, अब मुंबई पे ले चलेंगे। मुंबई में 3 येलो और 2 रेड, 2 रेड मतलब ईडब्ल्यूएस का कटअप 12.95 बढ़ गया, कोलकाता के बाद दूसरे नंबर पे, और ओबीसी में 9.1 बढ़ गया। उसके बाद अगर यहाँ एसी ओबीसी का कारण तो आपको पता ही है, सब सीसीए और पीडब्ल्यूडी को दिया गया उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट, रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन कह सकते हैं जिसके कारण। उसके बाद एसटी एसटी और यूआर का देखेंगे तो यहाँ कटअप मीडियम बढ़ा है, बाकी डाटा यहाँ पे आप मुंबई में मीडियम रहा है सबके टर्म में, यानी मुंबई जोन हम जानेंगे तो पीटी के बाद डीबी के लिए कटअप बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन रहा इस बार का, हाईएस्ट लोएस्ट में आप समझिएगा, इसीलिए ये एनालिसिस है और ये डाटा आपको बहुत आसानी से कहीं मिलने वाला नहीं है। उसके बाद अगला है चेन्नई, चेन्नई को हम जानेंगे अच्छा जोन के लिए, लेकिन अच्छा जोन में दो कम्युनिटी एसटी और यूआर का कटअप सबसे ज़्यादा बढ़ गया, यूआर के लिए 6.56 और एसटी के लिए 11.73, पीटी के बाद डीबी के लिए, बाकी यहाँ पे अच्छा ही रहा है, बहुत सारा खराब नहीं है, और जो ज़्यादा खराब नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे, न ग्रीन है न रेड है, बीच में है दो यहाँ, यानी चेन्नई आप जानेंगे तो यूआर और एसटी का कटअप बढ़ने के रूप में।
उसके बाद एनएफआर की बात करेंगे। पिछली बार बहुत रेड गया था, इस बार यहाँ पे अगर कहें कि गुवाहाटी के बारे में करेंगे एनएफआर में, तो यहाँ पे ग्रीन 3 यहाँ पे दिख रहा है, यानी यूआर का कट ऑफ किसी भी जोन में अच्छा गया है, 60 के आसपास हो गया। एसी का कट ऑफ जो डीबी के बाद गया है वो भी ठीक ठाक गया है, यानी यहाँ पे 60 से 62 गया है, कमी बढ़ा है यूआर में। एसी में देखिएगा ग्रीन है, 54 गया है डीबी का कट ऑफ। एसटी में 42 गया है, एकदम बिल्कुल ग्रीन है। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी 46 है, ग्रीन साइड में ही है। लेकिन अगर कहें कि सबसे कम जो यहाँ पे मात्रा है वो यूआर का पीटी से डीबी का कट ऑफ 1.87 बढ़ा है, जो सबसे कम बढ़ा है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक ज़्यादा मीडियम में बढ़ा है, वो बढ़ा है ओबीसी कम्युनिटी का, जो 8.66 बढ़ा है गुवाहाटी का। बाकी गुवाहाटी जोन खुशहाल जोन इस बार का रहा। उसके बाद अगर करेंगे न्यू दिल्ली का, तो न्यू दिल्ली में तो रेड और ग्रीन ही मिलेगा, रेड और येलो ही मिलेगा। हालांकि बढ़ने के टर्म में नहीं है, कटअप जैसा लोग बता रहे थे बहुत बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा है। बढ़ा है यहाँ पे एसी कम्युनिटी का कटअप 65, जो हाइयर साइड में गया है किसी भी जोन में। आपका ईडब्ल्यूएस का 65, जो किसी भी जोन में हाइयर साइड गया है। उसके बाद 75 यूआर का, 59 एसटी का और 70 ओबीसी का, जो मीडियम जोन गया है कटअप डीबी के लिए, ये यहाँ का स्पेशल है। हालांकि बढ़ने वाला में अगर देखें तो एसटी में 9 बढ़ा है, लेकिन कई जगह 11 बढ़ गया है, तो यहाँ पे कम में आ गया। उसके बाद अगर बिलासपुर की बात करेंगे तो बिलासपुर में केवल 4 ग्रीन देखेंगे। एक तो एसटी कम्युनिटी का 48 कटअप, दूसरा आपका 5 नंबर इंक्रीज किया है ओबीसी का, जो कम इंक्रीज किया है। ईडब्ल्यूएस में तो केवल जो कैंडिडेट लास्ट वाला था उसी का नंबर लिया गया है, और आपका एसी कम्युनिटी में 4.99 नंबर बढ़ा है। सातवां आरआरसी जयपुर है, जयपुर में एक ही अपडेट है, बाकी तो जानते ही है। यहाँ पे एसटी कम्युनिटी और कह सकते हैं मीना भाई लोग बहुत यहाँ मेहनत करते हैं, और वो एसटी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा 61 ले गए हैं, और 61 है जो एसी से भी ज़्यादा है, और ओबीसी तो कम है, ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा है। यानी एसटी का कटअप सभी कम्युनिटी में कम रहता है, जयपुर में यहाँ ईडब्ल्यूएस और एसी कम्युनिटी से ज़्यादा एसटी का कटअप है, ये आपको पता चल गया होगा। बाकी और कटअप ठीक ठाक है, मीडियम में है, लेकिन कम नहीं कर सकते, सब जगह तो बढ़ा ही है, तो ग्रीन कोई नहीं है, केवल एक ही रेड है। कोलकाता रेड 2, यूआर का कटअप 75.65 हाइयर साइड में। उसके बाद आपका एसी का कटअप तो 62 गया है, लेकिन बढ़ा भी बहुत तेज़ी से है, 8.65 कोलकाता में। उसी तरह ओबीसी में देखिएगा कटअप हाइयर साइड चला गया, 64 से मीडियम में है कह सकते हैं लोग, 64 से 70 चला गया है। हालांकि कटअप 71 भी गया है, नीचे हम भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एसीआर वाला में ये है, और एक आपका ईडब्ल्यूएस का भी 62 मीडियम तक बढ़ गया है, ये एसीआर कोलकाता हो गया। उसके बाद सिकंदराबाद में देखेंगे तो ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा, और 5 ग्रीन है, 5 ग्रीन है। यूआर का कटअप कम, एसी का कटअप कम, और ओबीसी का कटअप किसी भी आरआरसी में ओबीसी का कटअप सबसे कम यहीं पे है सिकंदराबाद में। और बढ़ने के टर्म में कहेंगे तो यूआर और एसी का कटअप यहाँ कम बढ़ा है, ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आरआरसी मुंबई में एक ही अपडेट है, बाकी चीज़ें मीडियम तो है, लेकिन एक अपडेट है ग्रीन में, केवल एसटी कम्युनिटी का कटअप 39 से 45 यानी 5 नंबर के आसपास बढ़ा है, एसटी कम्युनिटी अलोंग 14 आरआरसी। उसके बाद आपको हाजीपुर में जाएंगे तो हाजीपुर में आपको दिखेगा इस बार 2 ग्रीन, बाकी दिन लोग हाजीपुर से डरनेते हैं फॉर्म भरने से, लेकिन यहाँ यूआर का भी कटअप कम बढ़ा है, ओबीसी का भी कटअप कम बढ़ा है, बाकी ये सब ठीक ठाक है, आप इसको बियर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कटअप नहीं था, मीडियम में रहा और सबके लिए अच्छा रहा हाजीपुर में से जो लोग अप्लाई किए थे। बारहवां आरआरसी है आपका यहाँ पे जबलपुर में, ना अच्छा कह सकते हैं ना मुरा कह सकते हैं, सबके बीच में है, 71 यूआर का कटअप है, जो ओबीसी के कटअप के आसपास है, बाकी कटअप खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ना नीचे है ना ज़्यादा ऊपर है। यानी जबलपुर भारत के मिड में है, WCR बोलते हैं, और WCR अच्छा रहा सबके लिए। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे कटअप, अगला आरआरसी जो हमारे पास आ रहा है वो कोलकाता ईआर का, यहाँ तो रेड ही दिखता है, पिछली बार भी रेड दिखा था। यूआर का कटअप टॉपर साइड में, एसी का कटअप टॉपर साइड में, ओबीसी का कटअप टॉपर साइड में, और ईडब्ल्यूएस का कटअप मीडियम में, टॉपर से थोड़ा सा कम या टॉपर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कटअप भी डीबी से बढ़ा, जो 13.39 जो सबसे ज़्यादा बढ़ा, और यूआर का भी कटअप जो 6 नंबर बढ़ा है वो ज़्यादा ही है बाकी आरआरसी से। तो यानी कोलकाता में बहुत सारी चेंजेज हुआ है, और कह सकते हैं कि कोलकाता
एक डेंजर जोन या रेड जोन या कह सकते हैं खतरनाक जोन हो गया, ग्रीन में भी नहीं है, येलो तो एक दो है। उसके बाद अगला आरआरसी जो 14वां आरआरसी है जो अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे गोरखपुर की, गोरखपुर में ये 74 कट अप गया है, ये मीडियम यूआर का जो है, ये 75 से तो कम है लेकिन 74 ठीक ठाक कट अप गया है, एसीआर के बराबर चला गया है, साउथ ईस्टर्न रेलवे के बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 70 कट अप आपका गया है ओबीसी का, ये भी एक मीडियम है। एससी कम्युनिटी में 43 से 55 11.8 नंबर बढ़ा है, जो बहुत बड़ा बढ़ा है, लोग कहते थे नहीं बढ़ेगा तो 11.8 नंबर, उसी तरह एससी कम्युनिटी में भी 8.7 बढ़ा है, ये भी कह सकते हैं, यानी दो येलो एक रेड के साथ यहाँ पे आपको गोरखपुर खत्म होता है। तो ये मेरे तरफ से था 14 आरआरसी का डिटेल। 2 आरआरसी और आएगा रिजल्ट तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अगर अगर भुवनेश्वर आया तो ग्रीन में चेंज होगा और इलाहाबाद आया तो रेड या येलो में चेंज होगा, ये तो अनुमान है और बाकी देखते हैं क्या होता है, जैसे ही डाटा आएगा आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।